आपने पहले मुझे तारा कहा था मेरा इंट्रोडक्शन के तौर पे. मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जिस तरीके से मुझे तारा कहा, मैं तारा होकर भी चांद की प्रियसी हूँ. उस पे कुछ टू लाइनर है कि ये लोग न जाने एक मिनट, ये लोग खामखा मेरे जुनूनियत पे सवाल करते हैं. ये लोग खामखा मेरे जुनूनियत पे सवाल करते हैं. हम वो शख्स हैं जो तारों के शहर में जाकर चांद से मोहब्बत करते हैं. एक्चुअली मैंने देखा यार आप सब इतने कमाल हो, मुझे तो लग रहा है अभी मैंने लाइक शुरुआत भी नहीं की है लिखना परफॉर्म करना. रितिका मैम आप बहुत ही अच्छे बोले, ऋषि रवि वैभव आपको बोली, और बहुत से लोग मुझे यहाँ पे नहीं जानते हैं क्योंकि अच्छा बिफोर यू ऑल मेक एनी अजम्पशन आई एम जस्ट 17. और मुझे किसी ने बोला था कि तुम यार अभी कितनी छोटी हो, तुम जाके किताबें पढ़ो, तुम लोगों को पढ़ रही हो, है ना. तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये जजमेंटल हो गया शायद मुझे लेके. तो तो वहां पे उस वक्त मैंने उनको जवाब देना सही नहीं समझा, तो उसी थॉट को लेकर मैंने लाइक कुछ लिखा था. छोटी सी हो तुम पढ़ाई करो, छोटी सी हो तुम पढ़ाई करो, कहां तुम लोगों को पढ़ रही हो, जाओ किताबें पढ़ो. तुमसे लड़ेगी ये दुनिया भी अगर तुम चुपचाप खड़े रहो. तुमसे लड़ेगी भी ये दुनिया अगर तुम चुपचाप खड़े रहो, तुम उनसे मत लड़ो. ये दुनियादारी तुम ये दुनियादारी तुम नहीं समझोगी. कि ये दुनियादारी तुम नहीं समझोगी, तुम इन चक्करों में मत पड़ो. यही सुना है मैंने हमेशा. मेरी छोटी उम्र के साथ साथ छोटी शायद तुम्हारी सोच भी है, शायद इसीलिए मेरी छोटी उम्र के साथ साथ शायद छोटी तुम्हारी सोच भी है, शायद इसीलिए तुम्हें मेरी काबिलियत पे संकोच है. थैंक यू. हाँ छोटी हूं मैं, शायद इसीलिए डरती हूं इस दुनिया से. शायद इसीलिए डरती हूँ इस दुनिया से क्योंकि मैं अपने सपनों की वुमनिया बनने की फिरा. कोई पूछे मुझसे हाल मेरा, नहीं मैं आसानी से नहीं कह पाती. शायद इसलिए मैं आज शायरों की महफिल में हूँ. आंखों में चमक है मगर मेरे महबूब के लिए नहीं. आंखों में चमक है मगर किसी महबूब के लिए नहीं. अलग नूर है मुझमें एक नया सा, शायद मैं बहुत खूब भी नहीं. और ये और यहाँ शख्स और यहाँ बैठा हर एक शख्स लाख इनकार करे, मगर हमने जो भी बातें अभी मैंने यहाँ पे कही वो हम सब ने खुद से कही होंगी. शायद सपने नींद में अकेले बड़बड़ाते हो या अकेले कमरे में आईने के सामने देखकर खुद को. तो तात्पर्य यही है कि छोटे हम सब है यार. ओके तो एक अभी मैं थोड़ा आप लोगों के लाइन में आ जाती हूँ, प्यार मोहब्बत. अच्छा तो गर्ल्स वुड रिलेट टू मी आई थिंक. ऐसे होता है ना कि सामने होता है कोई और यार देखो लड़की है, प्यार हो जाता है यार. मतलब हाँ हम मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते शायद कुछ टाइम के लिए, बट हाँ होता है यार, है कि नहीं. तो उस पे लिखा था कि जब वो होता है ना सामने, तो आप मतलब उसका प्रेजेंस ही सब कुछ होता है. आप उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, मतलब ही इज जस्ट देयर एंड आप मतलब हो जाते हैं. तो उस पे मैंने लिखा था, छोटा सा लिखा है कुछ पोयम गजल जो भी आप लोग कह लो. आसमान में उड़ते पंछियों में मुझे मेरा अक्स दिखता है. आसमान में उड़ते पंछियों में मुझे मेरा अक्स दिखता है. मेरे पैरों से जकड़ी बेड़ियां मुझे उड़ने नहीं देती. आसमान में उड़ते पंछियों में मुझे मेरा अक्स दिखता है. मेरे पैरों से जकड़ी बेड़ियां मुझे उड़ने नहीं देती. मेरा महबूब वाकई बाखबर शख्स है. मेरा महबूब वाकई बाखबर शख्स है. जिसकी आंखें तो आंखें फिर बाहें भी मुझे बादल तक को लिपटने. रात भर फिर गुजार कर वक्त चांद की बसारत की करे. रात भर फिर
गुजार कर वक्त चांद की बसारत के तले, उनकी मदहोशी तो मदहोशी, फिर साखी भी मुझे मेरे होठ से मटने नहीं आए। जान पिला कर होठों से वो, फिर वो तो वो, उनके ही लब मुझे मेरे ही हदों से गुजरने नहीं आए। और एक छोटा सा मैंने लिखा था, वो कहना चाहूंगी क्योंकि टाइम आई थिंक कम है तो हाँ ओके। ये बहुत ही नया है, मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया इससे पहले। उसके नैनों की चमक की सबब हो तुम, उसके नैनों की चमक की सबब हो तुम, क्यों उनकी नजरों से उतर रहे हो? कि उसके नैनों की चमक की सबब हो तुम, क्यों उसकी नजरों से उतर रहे हो? अब उसके लब भी नुमाइश नहीं करते फर्जी, अब उसके लब भी नुमाइश नहीं करते फर्जी, तुम क्यों उनका वजूद उनसे छीन रहे हो? ओढ़े रहती सर्द में वो मीठे पलों की चादर, ओढ़े रहती सी वो सर्द में मीठे पलों की चादर, तुम क्यों धीरे धीरे वही चादर को उतर रहे हो? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा बहुत ही फेवरेट लाइन है। ख्वाहिश थी ना तुम्हारी, ख्वाहिश थी ना तुम्हारी भी कि वो ऊंचाइयां छुए, कहो ना, ख्वाहिश थी ना तुम्हारी भी कि वो ऊंचाइयां छुए, शायद इसीलिए उसके पैरों तले सर का जमी रहे हो।